जफर सादिक नाम का एक सरगना जो कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चला रहा था और इसका ड्रग रैकेट नई दिल्ली, तमिलनाडु और भारत की कई जगहों से मिलाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। इस अक्यूज ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू और उनको फिल्म, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आपको ज्ञात होगा पिछले महीने की 15 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सहयोग से हम लोगों ने बसई दारापुर जगह के गोदाम पे छापा मार के 50 किलो सूडो एफिड्रिन बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इन 3 अभियुक्तों से हुई पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि जफर सादिक नाम का एक इनका सरगना जो कि तमिल में फिल्म प्रोडक्शन का काम भी करता है और कई बड़े लोगों से उसके संबंध हैं, वो इस रैकेट को रन कर रहा था। तो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पे एनसीबी ने जाफर सादिक को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पिछले माह की 15 तारीख से भागा हुआ था और त्रिवेंद्रम होते हुए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर आदि जगहों पर छुपता फिर रहा था। एनसीबी ने 50 किलो सूडो एफिड्रिन एवेंटा नाम की कंपनी के गोडाउन से सीज की। सूडो एफिड्रिन, मैं बताना चाहूंगा, मेथ एम्फेटामिन नाम के एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग को बनाने में काम आती है। 15 तारीख को हुए सीजर के बाद एक सघन ऑपरेशन एनसीबी ऑपरेशन ब्रांच, एनसीबी की अन्य इकाइयां और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छेड़ रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने यह सफलता प्राप्त की है। यह गैंग का काम मुख्यतः सूडो एफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भेजना था और यह छुपाने के लिए उसमें कवर के रूप में डेसिकेटेड कोकोनट या फूड प्रोडक्ट्स रखते थे। पिछली पूछताछ और आज इस सरगने ने भी यह कबूला है कि इन लोगों ने लगभग 40-45 कंसाइनमेंट यहां से भेजे हैं और पिछले 3 सालों में लगभग 3,500 किलो सूडो एफेड्रिन भारत से ये लोग भेजने में कामयाब हुए हैं। इसने यह भी माना कि इसने काफी बड़ी मात्रा में इससे ड्रग मनी अर्जित की है और उसको तमाम सारे बिजनेस जैसे फिल्म प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, हॉस्पिटैलिटी वगैरह में इसने लगाया है। इसके फाइनेंशियल लिंकेजेस और ड्रग मनी के ट्रेल की जांच सघन रूप से की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूडो एफेड्रिन एक प्रीकर्सर केमिकल है जो कि मेथएम्फेटामिन के प्रोडक्शन में काम आता है और यह एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में इंडिया में विधिक आधार पर रखा गया है इसको, और इसको जो भी डाइवर्ट करता है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। जफर सादिक अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसने स्वीकारा है कि यह डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके पार्टी से ताल्लुक रखता था। यह 15 तारीख के सीजर के बाद हाइडिंग में चला गया, छुप गया और त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद होते हुए जयपुर पहुंचा। इसको लोकेट करने के बाद पूछताछ में इसको शामिल किया गया और आज एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। इसने ये माना कि लगभग इसने 45 पार्सल यहां से ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं और प्रति किलो के हिसाब से इसको लगभग 1,00,000 रुपए इसमें कट मिलता था। लगभग 3,000 से 3,500 किलो ड्रग ये लोग निर्यात कर चुके हैं और इससे इसको करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है, जिसका बड़ा हिस्सा इसने फिल्म प्रोडक्शन में लगाया है।
एक फिल्म तमिल फिल्म मंगई नाम की फिल्म का प्रोडक्शन पूरी ही ड्रग मनी से हुआ है। ड्रग मनी को इसने रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट किया है। ड्रग मनी का इस्तेमाल जिन धंधों में हुआ है उनमें पार्टनर्स काफी बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियां हैं जो तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध रखती हैं। इसके लिंकेजेस और ड्रग मनी का ट्रेल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम इस ड्रग मनी को कहां कहां इस्तेमाल किया है उसका पर्दाफाश करने और ड्रग मनी को जब्त करने में कामयाब होगी। इसने चेन्नई में ड्रग मनी का इस्तेमाल करके एक होटल भी बनाया है। 2019 में भी इसका नाम एक सिमिलर केस में मुंबई कस्टम्स में आया था जहां पर यह किटामिन नाम का एक सिंथेटिक ड्रग मलेशिया भेज रहा था। अब तक की हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं इसलिए इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आगे की जांच में जैसी भी स्थिति होगी वो हम आपको समय समय पर बतलाते रहेंगे। And whoever is found guilty under the Act of NDPS, we will book it. Sir, he's some connections with the Tamil film director Samir and some other people also. Have you? Yes, it has come to the fore. Yeah. Have you asked or someone, anybody to appear for an investigation? We will not disclose that, but connection has been there. Because parties ko funding karta tha, because he was using this drug money for filmmaking and all. Abhi tak ki poochtaach mein film industry, real estate aur kuch पॉलिटिकल फंडिंग का भी मामला सामने आया। टू बी डबली श्योर यू सेड द पॉलिटिकल फंडिंग इज अ थिंग दैट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग और यू हैव फाउंड सम एविडेंस। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग द ड्रग मनी ट्रेल, बी इट पॉलिटिकल फंडिंग, बी इट होटल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और फिल्म इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई एम बॉदर्ड अबाउट ड्रग प्रोसीड।